पूरे सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। गमो गुस्सा भी था। यह याना जो है लंदन के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। मैं आज फिर ये बोलना चाहूंगा याना मीर जी, हमें आप पे प्राउड है। मलाला यूसुफ़ज़ई की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं है जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी और भारत में ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है। और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं हूँ, मैं मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती हैं। और सुने, पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। कहते हैं सुलेमान लेते हूं। वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की तो फिर वो वहीं पे पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। लास्ट ईयर जब मैं कश्मीर गया था, जब मैं याना मीर जी से भी मिला था, आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो शख्सियत को, अगर आप इंडिया पाकिस्तान वीडियो देखते हैं या अपडेट रहते हैं खबरों से, तो वो है याना मीर जी। हाय, वेलकम टू माय हाउस। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, अच्छा, ना कर्जा है, ठीक है, ना सर उठाती हुई दहशत गर्दी है। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वाकी है। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वाकी है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये बात तो हम टाल ठोक के बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में अब बोलना आसान नहीं है। कैसे? क्योंकि वीगो डाला आता है, उठा के ले जाता है, फिर बंदा गायब भी हो जाता है गधे के सीम की तरह। हालात जो है वो बड़े क्लियर होते चले जा रहे हैं, अब डिवाइड बहुत क्लियर है, कौन किधर खड़ा है चीजें क्लियर हो रही हैं। मुझे खुशी है, करोड़ आवाम की उम्मीदें तोड़ी हैं। हाँ भाई हाँ। मैं हमारी सियासत कहाँ पर ला के उसने हमें खड़ा कर, हमें मरने पे मजबूर किया है। वाह क्या सीन है, एक साल से ज्यादा हुकूमत चल ही नहीं सकते, इसकी वजह क्या है? अगर चलेगा भी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, मुझे खुशी है, जो नारा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लगता था खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या कबायली इलाकों में, जब पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट वाले वो नारे लगाते थे वर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अफगानिस्तान तरक्की कर रहे हैं, भारत बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान का क्या बनेगा? हलवा क्या 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 बोला? हलवा हलवा हलवा। पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी? बवासीर एक आम समस्या है। हुण मेरा भाणजा है कसूर दे विच, उन्हां नूं 81,000 रुपया बिल आया गैस दा, ते सिर्फ 4 लोग ने घर दे, और 2 घंटे गैस आती है, चूल्हा अभी रोटी भी नहीं पकती चली जाती है। ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है, और ना ही गरीबों की भूख और नंग है। हमारे साथ जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान के सही नहीं रह सकता। क्यों? वो भी बोल रहे कि हमें अलग मुल्क दो। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है, दुनिया देख रही है आपको, जरा ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाना तो बहुत दूर की बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस समय की मेरी फुटेज है, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका, और उससे पहले भी मैं याना मीर जी को देखता था, उनको देखने के बाद में मेरे को काफी अच्छा लगता था, उनको सुनने के बाद में भी, क्योंकि वो एक कश्मीरी है, प्राउड कश्मीरी, और वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में कभी भी नहीं फंसी, प्रो हिंदुस्तानी प्रो इंडियन। उन्होंने कल इंग्लैंड की संसद में जाके बम फोड़ दिया, वोट सीधा जाके लगा पाकिस्तानियों के सर पे।
याना मीर ने लंदन की संसद में जाके कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जो अपने देश को छोड़ के भाग गई हो। मैं याना मीर हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ और मैं प्राउड कश्मीरी हूँ और मैं अपने कश्मीर में बहुत खुश हूँ, सेटिस्फेक्शन हूँ और मजे में हूँ। इस बात से उन पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी जो कश्मीर के नाम का चूर्ण चलाते हैं। पाकिस्तानियों को 75 साल में सिर्फ कश्मीर बेचा गया, सिर्फ कश्मीर बेचा गया। अगर वहां की कश्मीरी लड़कियां उठ के ये खेल बोलने लगी है, वो भी लंदन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, तो इन पाकिस्तानियों के तो सीने पे आग लगना बनती है। तो इन पाकिस्तान की खातूनों के विचार भी सुन ले। चलो भाई, इतनी नेगेटिविटी हमारी आवाम के जहनों में भर दी गई है। 1990 की हमें कश्मीर की वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपके पास अभी फोन होगा, अभी आप गूगल करके देख लें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है, ये किसी को भी नहीं पता है। हुई होगी, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि उनपे जुल्म ही हो रहा है। मुझे ये बताएं, चले जुल्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, है ना? अजीब सा असूल। फ्यूचर तो कहीं का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना कश्मीर का, कहीं का भी नहीं है। फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है आपको? नहीं। इसीलिए हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। हमारा वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर जाइए। तो क्या करें भाई, वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, वेजिटेबल्स की प्राइस इतनी कम मिल रही है, इतनी उनको सहूलतें हैं। ये फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की, तो फिर वो वहीं पे पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। पाकिस्तान के माँ बहन मजा आया। मैं 2004 में इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई मैं, कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पर इज्जत पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ पर बड़े खुश रहे। मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था, मगर जारी बड़ी, फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पर मैं एक साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था वहाँ पर, मुझे आने को दिल नहीं करता था। गोल्ड देते थे, एज अ गिफ्ट देते थे? गिफ्ट देते थे, वहाँ पर नाचते थे ना, वहाँ क्योंकि बच्ची वगैरह होता था या बच्चा वगैरह, हम नाचते थे वहाँ पर, गोल्ड देते थे और पैसे भी बहुत देते थे। वहाँ की आवाम ना बहुत खुले दिल की है। और यहाँ की आवाम में क्या फ़र्क है, उनकी आवाम में क्या फ़र्क है? यहाँ की आवाम पैसे निकालने में बहुत मुश्किल निकालते हैं, तो हमें बधाइयाँ भी नहीं देते हमें तो। जी, वो तो शुरू लास्ट ही वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इतिहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनकी स्पीच, जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने जातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी जातियात पर ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए, उनको हक है अपने राय देने का हक है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक है। हुकूमत जो बन रही है, यूथ हो, कितने चांसेस नजर आ रहे हैं कि बड़ी अच्छी होगी या कोई तरक्की नजर आएगी? तरक्की तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं अनाउंस कर रहे कि क्या है, कौन सदर है, कौन वजीर आजम है। तो तरक्की तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही कि क्या होगा हमारा। हम स्टूडेंट्स हैं कि हमें किस चीज़ का मतलब कि आगे हमें नौकरी वगैरह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि हमारी स्टडी ज़ाया जा रही है कि नहीं जा रही, हमें बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ का। हुकूमत में यही है कि हम यही कहेंगे कि हुकूमत अच्छी आ जाए ताकि मतलब कि स्टूडेंट्स लोगों को भी रिलीफ मिले। इंडिया के स्टूडेंट और पाकिस्तान के स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन देखें तो आप उनको किस पोजीशन में देखते हैं? इंडिया के स्टूडेंट्स को, इंडिया के स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पे ही देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे देखेंगे। वो क्यों? वो इसीलिए कि मतलब कि वहाँ पे एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पढ़ी है बस। पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी उम्मीद दें, छोड़ दें इंडिया की जान, छोड़ दें कश्मीर की जान, आ जाएं पाकिस्तान पे। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि साड़ी बस कर दो, बस अब अपना देख लो, अब सबकी बस हो गई। वाकई बहुत बस हो गई है हमारी, सबकी, हमारी भी बस हो गई है, हमारी बस हो गई है, बस छोड़ दें, हमें अपने हाल पर छोड़ दें, माफ करें। आप लोगों की क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का। आप भी जाते जाते इन पाकिस्तानियों की रेलम पहल करते जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।